गोस्वामी जी महाराज का जन्म इस कली काल में हुआ था, इसी कलयुग में, जिस कलयुग की आप रह के बुराई करते हैं। कुछ भी बुरा हुआ कलयुग, सब दोष किसका? और उसके पहले एक और शब्द, घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग की आयु जानते हैं कितनी है? 4,32,000। कितनी? अभी कितने हुए हैं जरा गेस मारिए, 5.5 भी नहीं हुए हैं अभी, 5,123 के समथिंग कुछ है। हाँ 5.5 मान लीजिए, 5,123। हाँ तो कहाँ 5.5 पूरे हुए। इतनी आयु है तो मतलब अगर उस एज के हिसाब से कलयुग के देखे तो कलयुग तो अभी पैदावर होके घुटना भी नहीं चल रहा है, अभी तो जन्म भर हुआ और हम सीना पीट रहे घोल कलयुग घोर कलयुग। अरे कलयुग, अच्छा इनसे अगर पूछो कि अगर कलयुग खराब है तो अच्छा कौन था, तो आप कहोगे सतयुग बड़ा अच्छा था। सतयुग में ऐसी समस्या नहीं थी। क्यों भाई? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन से युग में आए थे? सतयुग में। तो आप कहो नहीं नहीं त्रेता ज्यादा अच्छा था क्योंकि राम जी आए थे, तो ये दंत वो रावण कुंभकर्ण कब आए थे? तो आपको नहीं नहीं जिस युग में कृष्ण भगवान आए थे वो सबसे अच्छा है, तो ये दंत वक्र शिशुपाल कौन से जगह आए थे? हर युग वो अच्छा है जहां आप अच्छाई से जुड़े हैं। अगर मैं कहूं सतयुग अच्छा, त्रेता अच्छा, द्वापर भी बहुत अच्छा, पर हमको क्या फायदा, हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं ना, तो ये सारे अच्छे हो जाएं। मैं कहूं आपका अगर फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट है बड़ा सुंदर है, अच्छा तो हमें भी बहुत लगा, पर मेरे किस काम का, 9 दिन बाद तो मेरी अयोध्या काम आएगी ना, तो ये बहुत सुंदर है और वाकई में सुंदर है, पर ये लाख अच्छा है, लाख सुंदर है, जब तक इस सुंदरता से मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है तब तक मेरे लिए इसका कोई मोल होने वाला नहीं है। अगर मेरी टूटी मड़ैया मेरा सर बरसात में ढकती है तो मेरी मड़ैया आपके बंगले से खूबसूरत है, फिर आपका बंगला मेरे किस काम का। सतयुग त्रेता द्वापर बड़े अच्छे रहे हो, पर अगर जन्म हमारा कलयुग में हुआ है तो इस कलयुग से अच्छा दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई युग नहीं है। अमेरिका अच्छा लगता है किसी को? लंदन बस फोटो में, हाँ आकाश हमारा इंडिया भी ऐसा ही होता, कर दीजिए तो हो जाएगा और हो भी रहा है, बाबा की कृपा से हो रहा है। लाख अच्छे हों पर भगवान जाके लंदन में नहीं आए थे, इसी भारत भूमि पर भगवान आए, इस भारत भूमि पर भक्त आए, इस भारत भूमि पर संत आए, भगवंत आए, तो जिस भूमि पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम में, इसी भूमि पर मुरली बजाई मनमोहन घनश्याम ने, तो इस भारत भूमि से अच्छा मेरे लिए संसार में दूसरा कुछ नहीं। वो अमेरिका है, लंदन है, वहाँ धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, वो उनकी भला से। हमारे लिए सबसे सुंदर सबसे अच्छा अगर कोई रज है, ये काशी है, ये अयोध्या है, ये मथुरा है, वो सातपुरियां हैं, वो चार धाम हैं, इनसे बेहतर हमारे लिए संसार में दूसरा कुछ नहीं है। ये इसकी विशेषता में गोस्वामी जी कहते हैं ना, कामद गाई, मतलब समझते कामधेनु गैया का नाम सुना होगा आपने। कामधेनु गौ माता की क्या विशेषता है? वो मनुष्य की प्रत्येक सात्विक कामना को पूर्ण करती हैं। अर्थात अगर कामधेनु गैया जिसके पास हो उस इंसान की कोई भी कामना सात्विक अधूरी नहीं रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं ये श्री राम कथा इस कलयुग में कामधेनु गैया के समान है, अर्थात जिसके जीवन में कथा रूपी कामधेनु मैया है उसके जीवन में भी किसी वस्तु का अभाव रहने वाला नहीं है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। ये राम कथा केवल वो लोक नहीं बनाती है, इस लोक में भी आप जो प्राप्त करना चाहते हैं ये राम कथा आपको वो सब कुछ प्रदान करती है। धन मांगिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये सब कुछ ये राम कथा देने का सामर्थ्य रखती है।
आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होती है? जो सात्विक मनोकामना, मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा, सात्विक मनोकामना, धर्म संगत जो आपका मनोरथ होता है, उस मनोरथ को ये राम कथा पूरी करती है। किसी का अहित वाला अगर मनोरथ है, आप अनुष्ठान लेके बैठ जाओ, हे भगवान 9 दिन कथा सुनेंगे पर उनकी बिजनेस में कोई बढ़ोतरी ना आए, तो ये मनोरथ यहाँ पूरा होने वाला, भूल जाइए। गोस्वामी जी ने तो इस श्री राम कथा को बताया कि ये कामधेनु गैया के समान है। हमारे बाबा कहते हैं, देवी राम कथा सुंदर कर थारी, राम कथा सुंदर कर थारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा कली बिटप शंभू। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये राम कथा कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। कुल्हाड़ी देखी ना, जो लकड़ी काटते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, कलयुग के विकार, अब कलयुग के विकार क्या हैं? हमारे भीतर जो बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये खट विकार हैं जो हम सबके भीतर बसे रहते हैं। हम सबके हृदय में इनका वास रहता है। नेत्रों का विषय क्या है? नेत्र अच्छा अच्छा देखने की इच्छा रखते हैं। नासिका को अगर कोई सुगंध मिल जाए तो मुख उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कुछ बढ़िया सुनाई दे तो कानों का ये विषय है कि वो उसको सुनते रहना चाहते हैं। प्रत्येक इंद्रियों का कोई ना कोई विषय है। कलयुग के जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन खट विकारों को के रूप में जो वृक्ष है, इस वृक्ष को काटने के लिए ये राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है।